इन्वायरो ट्रस्ट में ट्यूशन है, वहाँ पे हम आते हैं और ट्यूशन्स में ऐसे लगता है स्कूल जैसी फीलिंग्स मिलती है, जैसे हम लंच करते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं वगैरह वगैरह, और हमें बिल्कुल ऐसा ही स्कूल जैसी फीलिंग्स मिलती है कि हम स्कूल्स में बैठे हुए हैं। मेरे पापा भी फ़ोन लेके जाते हैं, फिर ऑनलाइन क्लास कैसे करें। मैं अपने सेंट मेरी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत दिक्कतें होती है, जैसे कि कुछ समझ में नहीं आता। लॉकडाउन में जो है ऑनलाइन क्लास के बारे में किसी के पास, सब गरीब तबके का बच्चा यहाँ पर पढ़ते हैं जो है, और किसी के पास जो है स्मार्टफोन नहीं है जो है, तो बहुत परेशानी उठाना पड़ता है बच्चे को। मेरा नाम बिट्टू कुमार है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जब से यहाँ पे लॉकडाउन लगी तो स्कूलें बंद हो गई थी, हम घर पे पढ़ते थे ऑनलाइन क्लासेस, वो भी नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होता था, तो ज़्यादा एक घंटा क्लास होती थी तो ऐसे निकल जाता था। तो हमें यहाँ पे ट्यूशन में आए गए, यहाँ पे हमें बहुत कुछ समझाया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और गणित को अच्छे समझाया जाता है, और यहाँ पे हमें अच्छा भी लगता है आकर, हमें अच्छे अच्छे चीज़ें सीखने को मिलती है। मेरा नाम प्रतिभा है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। हम ऑनलाइन, अभी लॉकडाउन है तो हम सारे ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो ऑनलाइन क्लास मेरे पापा भी फ़ोन लेके जाते हैं, फिर ऑनलाइन क्लास कैसे करें, इसलिए घर में एक ही फ़ोन है, तो मेरे भाई का और मेरा भी एक ही में ऑनलाइन क्लास होता है, तो टेंशन हो जाती है, तो फिर पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं रहता। तो अभी हम लोग यहाँ पे आके पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है, ग्रामर, मैथ, साइंस सब सिखाते हैं सर, तो हमें अच्छा लगता है इधर आके पढ़ने में। यहाँ का टाइमिंग भी सही है और हमारी ऑनलाइन क्लास भी सुबह होती है, तो हम शाम को आके पढ़ सकते हैं। मेरा नाम अंकित बर्मन है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं अपने सेंट मेरी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत दिक्कतें होती है, जैसे कि कुछ समझ में नहीं आता और मैम जो समझाती है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती है। लर्निंग हब में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे कि हमें समझ में आता है मैथ्स के इक्वेशंस और बहुत से कुछ, जो कि ऑनलाइन में बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज क्योंकि मैम लैपटॉप में अपना समझाती है, बिकॉज उसमें कुछ समझ में नहीं आता, बट सर अपने बोर्ड में समझाते हैं और उसमें हमें अच्छे समझ में आता है। और जो इंग्लिश में मैम हमें पढ़वाती है और थोड़ा सा समझाती है, बट उसमें भी हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें समझाने में और एक फिजिकल में बहुत एक अलग होता है, तो इसीलिए हम इधर आके टेंसेस, नाउन और बहुत सारे ग्रामर्स के बहुत सारे पार्ट लर्न करते हैं। ऑनलाइन में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है और घर में 3-4 लोग हैं पढ़ने वाले और फ़ोन एक है, और स्कूल में जो जाते थे तो वहाँ पे भी पढ़ाई होती थी, ज़्यादा बच्चे आते थे, यहाँ पे भी पूरे बच्चे को पढ़ाया जाता है स्कूल की तरह ही, सेकेंड शिफ्ट भी है और फर्स्ट शिफ्ट भी है, जिसमें अच्छे से पढ़ाया जाता है और समझाया भी जाता है। मेरा नाम राधा वल्लभ ठाकुर है, मैं बिहार के रहने वाला हूँ, और पिछले 20-22 साल से जो है मैं दिल्ली में मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ। अभी हमें मौका मिला है इन्वायरनिक लर्निंग हब में पढ़ाने का। यहाँ तक बच्चे की बारे में बात है, जो है लॉकडाउन में जो है यहाँ बच्चे का जो है स्कूल से कनेक्शन लिंक टूट गया था जो है, तो हम लोग जो है डायरेक्टर साहब ने जो है एक इंस्टीट्यूट का निर्माण किया और यहाँ पर जो है विदाउट फी जो है हम लोग बच्चे को जो है दीक्षा देते हैं जो है। लॉकडाउन में जो है ऑनलाइन क्लास के बारे में किसी के पास, सब गरीब तबके का बच्चा यहाँ पर पढ़ते हैं जो है, और किसी के पास जो है स्मार्टफोन नहीं है जो है, तो बहुत परेशानी उठाना पड़ता है बच्चे को। तो हम लोग जो है पिछले एक साल से जो है यहाँ पर इन्वायरनिक लर्निंग हब में जो है एक साल से पढ़ाते हैं और बच्चे सब अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है जो है। और सर हमें बहुत अच्छे समझाते हैं, जैसे कि टेंसेस हमें बिल्कुल क्लियरली आता है, और साथ में साइंस में सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जैसे कि साइंस में मैम ओनली रीडिंग कराती है बट सर हमें समझाते हैं, और साथ में सर हमें न्यू वर्ड, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड समझाते हैं, और साथ में सर मैथ्स में बहुत अच्छे समझाते हैं।